दोस्तों, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे चेक किया जाए, कैसे पता करें कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में नेगेटिव एनर्जीज हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं 3 ऐसे साधन आपको बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान और सिंपल तरीका है, आप पानी के माध्यम से चेक कर सकते हैं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। एक गिलास में पानी लें और 1 चम्मच नमक की आवश्यकता है हमें। 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी के अंदर डालें, उसको अच्छे से घोल दें जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। दोस्तों, इस 1 गिलास पानी को जब आप अपने घर में रखेंगे, जहाँ पे भी आपको शक है कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ है, इस कमरे में, इस कॉर्नर में, इस फ्लोर पर, इस ऑफिस में, इस फैक्ट्री में, आप इस नमक वाले पानी को वहाँ रख दें कम से कम 12 से 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे बाद जब आप इस पानी को देखेंगे, अगर उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी होगी तो इस पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर वहाँ नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो इस पानी का कलर डार्क होना, ब्लैक, ग्रेश होना शुरू हो जाएगा। कम होगी तो थोड़ा येलोइश या हल्का सा इसके अंदर चेंज आएगा। दोस्तों, उस चेंज को आप कैसे पता करेंगे? जब आप इस पानी को रखें तो इसकी एक फ़ोटोग्राफ ले लें, और जब आप कुछ दिन बाद उस पानी को चेक करें तो दोबारा उसकी फ़ोटोग्राफ ले लें। दोनों फ़ोटो को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या परिवर्तन आया है। दोस्तों, दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी मदद से आपको पता चल सकता है कि कहाँ नेगेटिव एनर्जी है। दोस्तों, जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ प्लांट्स कभी सर्वाइव नहीं कर पाते। जिन घरों में तुलसी के पौधे होते हैं और वो सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या आपके घर में जो इंडोर प्लांट्स हैं, घर के बिल्कुल बाहर आउटडोर जो प्लांट्स हैं, अगर वो नहीं चल रहे तो इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। आप इस तरह के पौधों को अपने घर के अंदर या घर के कॉर्नर्स में रख के देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा कॉर्नर्स में होती है। इस माध्यम से आप चेक कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट, अगर नेगेटिव एनर्जी एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा है, तो घर के जो पेट्स होते हैं उनको ये चीज़ें बहुत इजीली फील हो जाती है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर घर में किसी प्रकार की कोई साइकिक एंटिटी है, साइकिक नेगेटिव एनर्जी है, तो आपके जो जानवर है वो परेशान से, बेचैन से, अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाई देंगे। वो अलग सी चीज़ों को देखेंगे, वो नोचेंगे, खरोचेंगे दीवारों को, वो दीवारों को खाली कर देंगे, उसकी जितनी सफ़ेदी है उसको निकालना शुरू कर देंगे, तो वो एंजाइटी, उनके अंदर एक परेशानी सी आनी शुरू हो जाती है नेगेटिव एनवायरनमेंट में, नेगेटिव एनर्जी के दौरान। तो दोस्तों, इन 3 तरीकों से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम नेगेटिव एनर्जी को चेक करते हैं, जो हमने अपने आध्यात्मिक विकास मिशन चैनल के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली हुई है जिनके माध्यम से आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जीज को जांच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और साधन है जहाँ पे आप रेकी की मदद से, काइनेसोलॉजी एक प्रोसेस होता है रेकी में, उससे नेगेटिव एनर्जीज को चेक कर सकते हो अपने घर में कहाँ पर कितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को जांच सकते हैं और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके घर में किस तरह की एनर्जीज आपको फील होती है। और इसी तरह लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें इस वीडियो को। आप अपने सवाल कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। और दोस्तों, रेकी हीलिंग मेडिटेशन के माध्यम से किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को आप हटा सकते हो, भगा सकते हो। धन्यवाद।